हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डेली जॉब अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज वैकेंसी आप लेकर आए पिछले नागपुर सिटी के लिए आज वैकेंसी लेकर आए दोस्तों, जो फर्स्ट वैकेंसी जो निकली हुई दोस्तों, जो फन एंड फूड विलेज की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकली है जो वाटर पार्क है नागपुर में, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और साथ में दोस्तों, जो नागपुर सिटी में और वैकेंसी जो निकली हुई दोस्तों, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार वैकेंसी निकले। जो फर्स्ट वैकेंसी देखते हैं तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकले, जहाँ पर आपका ग्रेजुएशन, अगर आपने एमबीए ग्रेजुएट एचआर में कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद परचेस एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, इसके लिए आपका एनी ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर देन उसके बाद आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ पर अगर आपने आईटी का एनी कोर्स, अगर आईटी में आपका एजुकेशन कंप्लीट है तो आप आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गेस्ट रिलेशन मैनेजर के लिए दोस्तों वैकेंसी है, उसके लिए आपका एनी ग्रेजुएट या तो फिर आपने एमबीए कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे 12 और 13 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना होगा सुबह 11 से 5 बजे। जो इनका एड्रेस है अमरावती रोड बाजारगांव नागपुर, तो एड्रेस पर आपको इंटरव्यू जाना होगा दोस्तों। साथ में यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया है 8080523041, मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम आपके लिए लाते रहे तो आपसे मिस ना हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, ताकि इसका लाभ जिन्हें जॉब की जरूरत है उन्हें भी। यशोदा हाइब्रिड सीड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी की तरफ से वैकेंसी निकाली है दोस्तों, जो कि हिंगन घाट के लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पर दोस्तों, अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, एक वैकेंसी निकाली जिसके लिए आपका बीकॉम एमकॉम कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों बीकॉम कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एचआर एग्जीक्यूटिव दोस्तों आपका एमबीए कंप्लीट होना चाहिए एचआर में। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसी अवेलेबल है, इसके लिए आपका एनी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है और साथ में आपने मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद ग्रेडिंग मशीन सुपरवाइजर के लिए 3 वैकेंसीज है, इसके लिए आपका जो ग्रेडिंग मशीन ग्राइंडिंग मशीन है वो चलाना आपको आना चाहिए। उसके बाद आईटी हेड के लिए 1 वैकेंसी, उसके लिए आपको लैंड नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए, अगर लैंड का आपको नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइजर के लिए 5 वैकेंसीज है, उसके लिए आपका एग्री या डिप्लोमा या बीएससी एमएससी आपने एग्री में कंप्लीट किया है और साथ में 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है एग्री रिलेटेड तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कलर सॉर्टेड मशीन ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। देन सेल्स ऑफिसर के लिए भी 3 वैकेंसीज अवेलेबल है, जहाँ पर आपका एग्री डिप्लोमा या तो फिर आपने बीएससी एग्री में कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ जो इनका यशोदा सीट्स 95@gmail.com ये इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस दिए गए ईमेल आईडी पर आपको आपका रिज्यूमे इन्हें सेंड करना होगा, ठीक है। तो देन उसके बाद आपको 12, 13, 14 और 15 ऐसे 4 दिन यहाँ पे इंटरव्यू चलने वाले हैं वर्धा यहाँ के लिए, तो वैकेंसी आप देखकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करिए। देन नेक्स्ट वैकेंसी मार्केटिंग मैनेजर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, उसके लिए आपका एमबीए कंप्लीट होना चाहिए मार्केटिंग में। देन उसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए भी मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, इसके लिए आपका मिनिमम 12वीं या तो फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज अ फ्रेशर कैंडिडेट विल बी मोस्ट वेलकम, अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका सैलरी प्लस इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। जो वैकेंसी है इंडा इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से, जो बालाजी अपार्टमेंट सुयोग नगर नागपुर यहाँ पे है, तो आपको ये एड्रेस पर 12 से 4 बजे के बीच में आपको इंटरव्यू जाना पड़ेगा। इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, आप डायरेक्टली जा सके दोस्तों। फिर उसके बाद की वैकेंसी जो विदर्भ पब्लिक स्कूल की तरफ से वैकेंसीज है, यहाँ पर दोस्तों टीचर्स के लिए वैकेंसी निकली, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस और पीएटी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों भी के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सैलरी वो 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ इतना सैलरी आपको प्रोवाइड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे 12 तारीख को यानी कल आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा दोस्तों सुबह 11 से 4 बजे, जो एट होटल ग्रेस इन एएमसी स्कूल नियर राजापेट पुलिस स्टेशन अमरावती। तो अमरावती के लिए वैकेंसीज है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सके दोस्तों। फिर उसके बाद की वैकेंसी फ्लाई स्कूल इंस्टीट्यूट की तरफ से नागपुर सिटी के लिए वैकेंसीज है, यहाँ पर भी उन्होंने सेंटर हेड के लिए वैकेंसी निकाले, एविएशन ट्रेनर, रिसेप्शनिस्ट और पर्सनल टीचर, इस प्रकार वैकेंसीज है। तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज अ फ्रेशर्स कैंडिडेट विल बी वेलकम, अगर आप एज अ फ्रेशर्स हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 10 से 18 तारीख तक यहाँ पे इंटरव्यू चलने वाले, आपको दे दो प्लॉट नंबर 310 लक्ष्मी नारायण बिल्डिंग सेकंड फ्लोर कॉलेज स्क्वायर सिविल लाइन नागपुर, एड्रेस पर आपको जाना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दिया, देख सकते हैं ईमेल आईडी पर भी आप आपका रिज्यूमे इन्हें सेंड कर पाओगे। देन उसके बाद की वैकेंसी जो ओपनिंग फॉर स्टॉप स्टाफ पोजीशन के लिए वैकेंसी है, स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नागपुर की तरफ से वैकेंसीज है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरियन सबसे पहले तो जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली है, उसके लिए आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है एनी फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों वैकेंसीज है, इसके लिए आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए लाइब्रेरियन में। देन उसके बाद हेड एकेडमिक प्रोग्रामिंग ऑफिसर के लिए भी वैकेंसीज है, उसके लिए आपका एमबीए उन्होंने मांगा हुआ है। देन उसके बाद रेसिडेंट नाइट डॉक्टर के लिए भी वैकेंसीज है, उसके लिए आपका एमबीए अगर कंप्लीट है, एमबीबीएस अगर कंप्लीट है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना होगा, जो इनका लिंक दिया हुआ है देख सकते हैं। इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल जो डेली जॉब अपडेट 22 करके है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको 20 तारीख के पहले यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करना होगा दोस्तों। देन उसके बाद की वैकेंसी जो एसजीएस सर्विस की तरफ से वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 12 जगह के लिए वैकेंसी निकली, आप देख सकते हैं मेल के लिए वैकेंसीज है, जो बीपीओ है, बीपीओ कंपनी है दोस्तों, तो यहाँ के लिए वैकेंसी है, उसके लिए आप एनी ग्रेजुएट पास होना चाहिए, ठीक है, एनी ग्रेजुएट पास हो, साथ में आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज है और इंटरनेट सर्वे का, अगर आप जो इंटरनेट है वो चलाना आता है, और साथ में आपको 30 यानी 30 इंग्लिश
आपके पास टाइपिंग हुआ है, आपके 30 स्पीड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीपीओ कंपनी की तरफ से वैकेंसी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड नागपुर में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू ले जाना होगा 11, 12 और 13 तारीख को दोपहर 12 से 3 बजे, जो आशीर्वाद बीसाइट रूट पर वहाँ ऋषि विज्ञान जैसे रोड बजाज नगर नागपुर का एड्रेस दिया हुआ, इस एड्रेस पर आपको इंटरव्यू ले जाना होगा। साथ में यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पूरा डिटेल्स ले सकते हो। जल्दी से आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे माउंटेन जीम स्कूल की तरफ से नागपुर में निकली है वैकेंसी। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने वेरियस पोजीशन पर वैकेंसी निकले, टीचर्स के लिए इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, पीजीटी के लिए वैकेंसी है, पीजीटी के लिए भी वैकेंसी है। साथ में दोस्तों एडमिशन मैनेजर, डांस, फिजिकल एजुकेटर, नर्स, बास्केटबॉल और क्रिकेट कोच के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो दिए गए ईमेल आईडी है, दिए गए ईमेल आईडी पर आपको आपका रिज्यूमे इन्हें सेंड करना होगा, जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको 11, 12 और 13 ये 3 दिन आपको इंटरव्यू ले जाना होगा, जो कौठा रोड नाका नंबर 2, कामटी रोड, भिलगांव, नागपुर। देन नेक्स्ट वैकेंसी है फूड करियर अपॉर्चुनिटी फॉर सुटेबल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। दोस्तों यहाँ पे सेल्स के लिए वैकेंसी निकाली है, दोस्तों जो विदर्भ की तरफ से वैकेंसी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो हेमंत ट्रेडर्स की तरफ से वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है साइंस बैकग्राउंड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको एमएस ऑफिस और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको 9923799848 ये मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको यहाँ पे इंटरव्यू जाना होगा। दोस्तों फिर उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो एनकेपी सॉल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जो लता मंगेशकर हॉस्पिटल है नागपुर में, तो यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी निकाले, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरियस पोजीशन पर वैकेंसी निकाली हुई है। तो दोस्तों रिसर्च एंड क्लिनिक ट्रेल के लिए वैकेंसी है। देन उसके बाद मेडिकल डायरेक्टर के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल, जिसके एमडी एमएस आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, सीनियर रेसिडेंट के लिए वैकेंसी है, ट्यूटर के लिए भी वैकेंसी है, जहाँ पर एमडी एमएससी मेडिकल में आपका कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद कंसल्टिंग मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी, जहाँ पर आपका एमबीबीएस कंप्लीट होना चाहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे वैकेंसी, जिनका एमबीए अगर आपने हॉस्पिटल में कंप्लीट किया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना होगा, जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इस पर स्कैन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल डेली जॉब अपडेट करके 22 करके वहाँ पे ज्वाइन करके इसका लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट की वैकेंसी जो चेतक जो राइट इंटरप्राइजेस की तरफ से वैकेंसीज है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अकाउंटेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। 2 दिन के बाद शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, डीलरशिप मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों आपको कंप्यूटर पर नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों आपको दिए गए ईमेल आईडी पर आपको आपका रिज्यूमे इन्हें सेंड करना होगा। दोस्तों देन केंद्रीय विद्यालय आयुर्वेदिक आयुध निर्माता भंडारा की तरफ से वैकेंसी है। तो यहाँ पर दोस्तों टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप दिए गए जो 15 तारीख को आपको इंटरव्यू जाना होगा तो आप यहाँ पर इंटरव्यू जा सकते हैं। दोस्तों देन उसके बाद स्वप्निल स्टडी सर्कल की तरफ से वैकेंसी है। तो यहाँ पर दोस्तों वेरियस टीचर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी, जहाँ पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एसएसटी सब्जेक्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। और तो यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को, 5th to 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाना है आपको, तो अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और कंसल्टिंग के लिए 4 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। देन यहाँ पे जो फिक्स पे प्लस इंसेंटिव और अलाउंस सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको 15 तारीख के पहले आपको यहाँ पे इंटरव्यू जाना होगा, शाम के 4:30 से 7 बजे तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो एड्रेस है, ये एड्रेस पर जाइए और इंटरव्यू देकर आप वहाँ पे लग सकते हैं। दिन नेक्स्ट वैकेंसी आईपी एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी की तरफ से वैकेंसी अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाले, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, कंसल्टिंग के लिए और टेलीकॉलर के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों उसके लिए ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप दिए गए जो ईमेल आईडी है, दिए गए ईमेल आईडी पर आप आपका रिज्यूमे इन्हें सेंड कर सकते हैं। दिन नेक्स्ट वैकेंसी जो जेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से वैकेंसी अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साइट सुपरवाइजर के लिए भी वैकेंसी है, उसके लिए आपका मिनिमम एनी ग्रेजुएट अगर हो और साथ में आपको 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे 12 तारीख से पहले 12 और 13 तारीख, ऐसे 2 दिन यहाँ पे इंटरव्यू है रखी हुई है, तो आपको दिए गए जो एड्रेस है इस एड्रेस पर आपको इंटरव्यू को जाना होगा।